कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय अर्थशास्त्र सेट ए का रियल पेपर, जो आपका 18 सितंबर को पेपर होगा। तो उसका मैं रियल पेपर आपको बता रहा हूँ, 100 में 100% गारंटी के साथ यही पेपर और यही क्वेश्चन पेपर आपके में आएंगे। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 80 का और सेट रहेगा ए का। निर्देश है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, निर्देश तो आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसलिए मैं वीडियो के अंत तक में ज़रूर बताऊंगा कि पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे पेपर में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। पहले का पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो स्थानीय वर्गीकरण, कालानुमिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इनका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। दूसरा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। संख्यांकी की जन्मदाता है। भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। इनका आंसर मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। पहले का बा नंबर आंसर हो जाएगा कालानुमिक वर्गीकरण, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई तो 1950। संख्यांकी की जन्मदाता एच नावल, और भारत में रेल सेवा प्रारंभ की गई 1853 में की गई थी। रेल सेवा तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएं। निम्न में कौन सी आर्थिक प्रक्रिया है क्रिया है, तो इनमें से कोई नहीं। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा। दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर है बिंदी बिंदी था। नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का बिंदी बिंदी हो जाता है। तीसरा हो जाएगा आपका, केंद्रीय पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ का माप माध्यम है। वर्गीकरण बिंदी बिंदी का आधार है। स्वतंत्रता से पूर्व उद्देश्य केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक शासी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता था। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो आंसर आपको नहीं है इसमें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। सत्ता सत्ता है आपका, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते थे। जटिल तथ्यों को संख्यांकी सरल में प्रस्तुत करती है। समांक तथ्यों के समूह होते हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। गुणात्मक तथ्यों का सरणी क्रिया जा सकता है। वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता। साकारी प्रकाशन द्वितीय स्वयं समंक का होता है। तो पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य हो जाएगा, पांचवा असत्य हो जाएगा, और छठवां जो है तो आपका सत्य हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। सही जोड़ी है आपकी, तो सही जोड़ी राष्ट्रीय आय की गणना, तो दादा भाई नौरोजी, इनका स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा। भारत में प्रथम जनगणना, तो दूसरे का 1881। औद्योगिक नीति, तीसरे का हो जाएगा 1965 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो चौथे का हो जाएगा आपका 1952। उद्योग निर्माण, तो पांचवें का हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र। स्वेज नदी का प्रारंभ हुए, तो इसका हो जाएगा आपका 1869 में। सचिव आवृत्ति वक्ता, तो अजोई ब्रक, इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पांचवा, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है, तो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकृति संख्यामक क्या कहलाती है। उस संख्यांकी विधि का नाम बताइए जो कम खिंचली है। भारत में जनसंख्या गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। छठवा, तो इनका आंसर हो जाएगा पहले का, प्राथमिक संक्रमक और प्रतिदर्शक विधि, सर्वोच्चन उत्पादन विदेश और एंडम नेशनल आर्थिक क्रिया से आप क्या प्रिय है। एक वचन में संख्यांकी क्या कह जाता है, तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी आंसर आपको छूट रहा है सॉल्यूशन के साथ नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। छठवा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के भी विभागों के नाम बताइए और राज्यों से आप क्या समझते हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए, कारण और संख्यांकी क्या है। तो छठवें का आंसर आपका ये रहा, वर्तमान में अर्थशास्त्र का अध्ययन दो भागों में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और सातवां आंसर है आपका, आठवां, संख्यांकी के दो बारे में
कुछ खास बातें ये हैं। संख्यांकी डेटा संग्रह विश्लेषण व्याख्या और आयोजन करना विज्ञापन है। संख्यांकी में तथ्यों का समूह होता है जिसमें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्यांकी में डेटा को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित किया जाता है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन आपका प्राथमिक समंक किसे कहते हैं। जगणना से आप आशय बताइए। सारणीय का क्या अर्थ है। और समांतर मध्य बताइए। ये हो जाएगा, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है प्राथमिक समांक वे समांक होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। सारणीयन का अर्थ है सारणीयन तुलना और संख्यांकी विश्लेषण को आसान बनाने के लिए पंक्तियों और स्तंभों में आंकड़ों का व्यवस्थित तर्क प्रतिनिधित्व और संबंधित सूचनाओं का एक दूसरे के करीब लकार और तुलना को आसान बनाता है। संख्यांकी शोधक और व्यवहार में आगे मन करता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। 11वां क्वेश्चन एक आदर्श माध्यम की गुण लिखो और चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था और अर्थ बताइए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये आपका 11वां एक आदर्श माध्यम की गुण। माध्य स्पष्ट स्थिर होना चाहिए। दूसरे शब्द में माध्य श्रेणी के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों से कम प्रभावित होना चाहिए। माध्यम समग्र प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माध्यम निकलने तथा समझने में सरल होनी चाहिए। वह समाकलन समांक माला के समस्त पदों का आधारित होना चाहिए। वह सीमांत पदों को सूचित महत्व हो उस पर संख्याओं के परिवर्तन का से कम प्रभाव पड़ना। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन बाजार अर्थव्यवस्था से एक प्रणाली है जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होता है। 13वां क्वेश्चन है आपका, ये आपका राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। सत्य विकास से क्या आशय है। बिंदु रेखी प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। बारंबारता वितरण क्या है। विस्तार का सूत्र लिखिए। प्रो मार्शल की परिभाषा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा क्वेश्चन का। तो 13वां राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किस देश की सीमा के भीतर किस निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम सेवाओं का वस्तु कुल मूल्य से है। सकलन घरेलू उत्पाद और सद राष्ट्रीय आय दोनों शामिल है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन है बिंदु रेखी प्रदर्शन एक गणितीय प्रणाली है। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न समय बिंदु पर चर राशि के परिणाम को प्रतीकों अथवा आकृतियों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रतिकरण उद्देश्य संख्यांकी आंकड़ों के मूल मुख्य तथ्यों को सहज तथा सरल रूप में व्यक्त करना होता है। और आपका 17वां क्वेश्चन संख्यांकी विधियों क्या है। उनके नाम लिखिए। आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक आंकड़ों की द्वितीय आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जनगणना विधि द्वारा सर्वोच्चन और आने वाली समस्याएं बताएं। निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर मध्य करो तो 15 25 30 35 40 45 50 55। गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। यदि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिहीन थी। 20वां प्रश्नावली किसे कहते हैं। कच्ची प्रश्नावली की विशेषता लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि महत्व व्याख्या कीजिए। 21वां प्राथमिक आंकड़ों को 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 17, 18, 19, 20, 21 इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको न्यू अपडेट जो भी है तो आपको मिलता रहेगा। पेपर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें नहीं मिलता तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। सॉल्यूशन मैं तो वीडियो पे ही बताऊंगा जो भी सॉल्यूशन है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।